अद्दुआ मुखुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा। दुआ जो है वो इबादत का जौहर है, इबादत की रूह है, बल्कि यह कि असल इबादत जो है वो दुआ ही है। लिहाजा तौहीद से दुआ क्या है, ला तदउ माल्लाह अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। ये सूरह जिन की आयत है, यानी ये है कि एक तो ये कि आप अल्लाह को पुकार ही नहीं रहे, पुकार ही रहे अपने देवियों को, देवताओं को, अपने लात को, उज़्ज़ा को, मनात को, हुबल को, वो तो और दूर की बात हो गई। एक है शिर्क फी दुआ, अल्लाह को भी पुकार रहे हैं और किसी और को भी पुकार रहे हैं। अब वो कोई औलिया अल्लाह भी हो सकते हैं, कोई मलाइका हो सकते हैं, कोई अंबिया की अरवाह हो सकती है, किसी को पुकारना, पुकारना किसी का भी होगा। दुआ ला तदउ मा अल्लाह अहदा, और ये दर हकीकत हम जब हर रकत जो है नमाज की, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, परवरदिगार हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे, ये हमारा कौलो करार है, ये हमारा अहद है अल्लाह के साथ, इसके खिलाफ ना हो, किसी को पुकारने की इजाजत नहीं है। यहां एक बारीक नुकता समझ लीजिए, एक है किसी को पुकारना, किसी से मदद चाहना, किसी से किसी काम के अंदर जो है कोई इमदाद की ख्वाहिश करना, जो कि हो दुनियावी जो मामूलात हैं, जो आम हमारे कवायद हैं, जाहिरी मादी असबाब वसाइल के दर्जे में, वो शिर्क नहीं है। मैं किसी कहता हूं मुझे जरा पानी पिला दो, ये भी एक दुआ है, इस्तिमदाद है, मदद आपने मांगी है, उससे अपनी एक जरूरत पूरी करने के लिए कहा है, लेकिन क्या है ये कि घड़ा है वहां रखा हुआ है, वहां पानी है, उसमें से पानी लाएगा वो दे दे लो। जो जाहिरी कवानीन तबीया जो है उनके दायरे के अंदर अंदर कोई दुआ, कोई इस्तिमदाद, कोई इस्तेआनत, कोई इस्तेगासा, इसमें कोई हर्ज नहीं। गैबी एतबार से किसी के साथ भी कोई दुआ की जाएगी अल्लाह के सिवा, वो शिर्क है। वो इस्तिदा हो, इस्तेगासा हो, इस्तेआनत हो, इस्तिमदाद हो, इस्तिनसार हो, कुछ भी हो गैबी तौर पर, दुनिया के मारूफ तरीकों में और जो हमारे तबी कवानीन है उनके दायरों के अंदर अंदर मदद मांगना, इसमें कतान कोई शिर्क नहीं है, तौहीद है। अलबत्ता इसमें भी एक बारीक नुकता है, एक बुजुर्ग थे जो फौत हो गए, उन्होंने ये बात मुझे जिस तरह समझाई थी वो आज भी मैं उनका मशकूर हूं। कि दुनिया में आम कायदे कानून के तहत भी किसी से कुछ कहना कि भाई मेरा ये काम आप कर दीजिए, आप कर सकते हैं, एक दफा कहना जायज है, दूसरी मरतबा याद दिला देना कि शायद भूल गए वो भी जायज है, तीसरी मरतबा कहना शिर्क हो जाएगा, और उसमें इल्हाव जारी करना और खुशामदें करना और गिड़गिड़ाना, ये तो शिर्क है। तुमने ये समझा है कि तुम्हारा काम यही कर सकता है, काम करने वाला तो अल्लाह है, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो। अल्लाह ने तुम्हें एक इज्जत नफ्स दी है, उस इज्जत नफ्स को देहला ना बनाओ, किसी के सामने जो है अपना हाथ फैला देना, अपनी इज्जत नफ्स जो है उसको खत्म कर देना है, मत मांगो किसी से कुछ। लेकिन ये कि ठीक है दुनिया में काम चलता है, हुजूर का शक्की शान तो ये थी कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपकी छड़ी गिर गई तो सवारी को बिठा के उससे उतरकर छड़ी खुद उठाते थे, आप किसी अपने साथी से ये नहीं कहते थे कि मेरी छड़ी पकड़ा दो मुझे, आपकी तो गैरत का आलम जो है वो बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था। लेकिन दुनिया में आम तरीके से ये कि ठीक है भाई आप एक काम है आप कर सकते हैं, ये कर दीजिए, उसने कह दिया ठीक है मैं करूँगा, फिर भूल गया या कुछ और हुआ, दूसरी मरतबा याददहानी करा दी, तीसरी मरतबा जो है उन्होंने कहा कि फिर उसमें शिर्क की बू आने लगती है, कि मालूम होता है कि आपने समझा है कि इसी को इख्तियार हासिल है, यही मुख्तदिर है, इसी को आपका काम करने का जो है वो पूरी कुव्वत और कुदरत हासिल है, और ये चीज़ जो है ये शिर्क की बू उसमें से आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह है मामला सारा जो असबाब आदिया के तहत, उससे मावरा आप किसी को नहीं पुकार सकते। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते,
اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، سو اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے، یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو۔ فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔